दोस्तों, विदुर ने अपने नीतियों और ज्ञान के बल पर न केवल हस्तिनापुर को बचाया बल्कि पांडवों के लिए भी वह जीवन रक्षक बने थे। विदुर की नीतियों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो हर जगह सफलता मिल सकती है। फ्रेंड्स, महाभारत में भीष्म जहां राज्य निष्ठा और धर्म पर चलते थे, वहीं महात्मा विदुर धर्म और ज्ञान के आधार पर हस्तिनापुर के शासक को राह दिखाते थे। विदुर ने अपनी नीतियों और ज्ञान के आधार पर ही पांडु के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि विदुर भी पांडु और धृतराष्ट्र की तरह ही वेद व्यास से ही जन्मे थे, लेकिन अपनी विद्वता और ज्ञान के बाद भी केवल इसलिए राजा नहीं बन सके क्योंकि वह एक दासी के पुत्र थे, इसलिए उन्हें उनकी विद्वता के आधार पर प्रधानमंत्री का पद मिला था। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि विदुर की छठी इंद्रिय काफी ज्यादा सक्रिय थी और यही कारण है कि उन्हें लाक्षागृह के षड्यंत्र का पहले ही आभास हो गया था। विदुर की नीतियां आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब थी। दोस्तों, विदुर ने जीवन में सफल होने के लिए चार गुण का होना इंसान में बेहद ज्यादा जरूरी बताया है। तो चलिए बतलाते हैं आपको कि विदुर ने जीवन में कौन से वो चार नियम बताए हैं जो एक सफलता पाने वाले व्यक्ति में होना ही चाहिए। पहला है, अच्छा व्यवहार आगे बढ़ाता है। दोस्तों, जिस मनुष्य का स्वभाव सरल और मधुर होता है उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। कठोर और कर्कश बोलने वालों को कई बार उनके व्यवहार के कारण सफलता नहीं मिल पाती, इसलिए जीवन में यदि आपको सफल होना है तो अपने व्यवहार को हमेशा सौम्य बनाए रखें। महात्मा विदुर ने सौम्यता को विकास का आधार माना है। जीवन में सफलता पाने के लिए विदुर का दूसरा नियम है ज्ञान। दोस्तों, सफलता को भाग्य के भरोसे नहीं पाया जा सकता और इस बात का विदुर नीति में भी उल्लेख है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनती होते हैं, इसलिए ज्ञान के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। ज्ञान विपरीत स्थितियों का साथी होता है। ज्ञान हो तो इंसान सब कुछ पा सकता है और ज्ञान ना हो तो सब कुछ होते हुए भी उसे गंवाया जा सकता है। तीसरा नियम है लक्ष्य। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा रास्ता ये है कि मनुष्य अपने लक्ष्य पर नजर रखे। जो मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य केंद्रित नहीं करता या तय करके नहीं चलता, उसे जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिल पाती। सफल वही होते हैं जो लक्ष्य पर नजर बनाकर अपनी कार्य योजना पर काम करते हैं। और सफल होने के लिए चौथा नियम है, दूसरों के उपकार को याद रखना। फ्रेंड्स, विदुर नीति में दूसरों के उपकार को याद रखने पर जोर दिया गया है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो इंसान विपरीत स्थिति में आपका साथ दे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बुरे वक्त में साथ देने वाला ही सच्चा और सही साथी होता है, इसलिए उपकार को याद रखने वाला ही जीवन में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थे महात्मा विदुर द्वारा बताए गए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण चार नियम जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।